आज हम एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होता है और किस प्रकार स्टॉप होता है, ठीक है। और इसी को पॉजिटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं और इसी को ही नेगेटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं। इसी को टर्न ऑन भी बोलते हैं, टर्न ऑफ भी बोलते हैं। तो आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये इंड्यूसर प्रमोटर, इंड्यूसर डीएनए टारगेट, डीएनए साइट होती है, प्रमोटर होता है, ठीक है। तो ये दी हुई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दी हुई है। तो फर्स्ट इंड्यूसर को अंदर क्या रेगुलेटरी चेन बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ही एमआरएनए बनाती है, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी। रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिवेटर और एक रिप्रेसर होता है। अब एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होता है एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, जब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या डीएनए की साइट पर टारगेट जेने टारगेट जेने साइट टारगेट डीएनए की साइट पे जब बाइंड करती है, ठीक है, जेने को इमेज बोल देते कई बार इसको, ठीक है। तो यहाँ बाइंड करती है, कई बार नहीं हमेशा ही बोलते हैं, सॉरी हमेशा ही बोलते हैं। तो बाइंड करती है प्रमोटर के नियर, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाता है। इसी को ही टर्न ऑन बोलते हैं, इसी को ही पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया किसके अंदर एक्टिवेटर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, इसके पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं और इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होता है। अब दूसरी कंडीशन के अंदर सेम ही कंडीशन है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन दो प्रकार की थी, एक्टिवेटर एक रिप्रेसर था, क्या रिप्रेसर की प्रेजेंस में अंदर, ठीक है। जब एक्टिवेट रिप्रेसर की प्रेजेंस में अंदर एक्टिवेटर प्रोटीन जब जाती है तो बी टारगेट डीएनए की साइड पे, तो क्या बाइंड नहीं हो पाती प्रमोटर की, ऑपरेटर नहीं ऑपरेट नहीं कर पाती। तो ऑपरेट नहीं कर पाती तो क्या होता है, तो जिनका एक्सप्रेशन नहीं होता, जिनका एक्सप्रेशन नहीं होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो बाइंड नहीं कर पाती, तो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज स्टॉप होता है, प्रिवेंस होता है। इसी को ही क्या है टर्न ऑफ बोलते हैं, इसी को ही नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही क्या है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। आज ये हमने पढ़ा है, इसको ब्लॉक कर देती है, यानी कि जो एक रिप्रेसर है जो ऑपरेट करती है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेट करती है, तो क्या वो बाइंड नहीं होती डीएनए की जो टारगेट डीएनए है पर जो प्रोटीन आई जो होती है, तो वो बाहर नहीं पाते, ठीक है। तो इसकी इस प्रकार ही ये नेगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार इंक्रीज होता है और किस प्रकार स्टॉप होता है, और टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोबायोटिक साइड के अंदर हमने पढ़ा है।